देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। यूपी में दोबारा योगी सरकार बनने के बाद अपराधियों और भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में बुधवार को अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पीडीए के विशेष कार्याधिकारी आलोक पांडे और जोनल अधिकारी बीपी सिंह के नेतृत्व में कैंट थाना क्षेत्र में सीडीए पेंशन के पीछे सराय भीकी इलाके में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स, पीएसी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद रहीं। इसके साथ ही 3 मकानों को सील करने की कार्रवाई भी की गई है। अवैध रूप से बने इन मकानों का ध्वस्तीकरण आदेश पारित नहीं हुआ था। इसके अलावा उन मकानों में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई जिसमें लोग रह रहे हैं। दरअसल जिस इलाके में भू माफियाओं ने अवैध प्लॉटिंग कर जमीनों को बेच दिया है, वह इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित कछार एरिया में आता है और इन पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता। भू माफियाओं ने भूमिधरी और सरकारी पट्टे की जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग कर दी है। पीडीए की कार्रवाई में लगभग 350 अवैध निर्माण तोड़े गए हैं। भू माफियाओं द्वारा सराय भीकी इलाके में लगभग 250 करोड़ की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की गई है। पीडीए के विशेष कार्य अधिकारी आलोक पांडे के मुताबिक इस मामले में भू माफिया अनिल दास, परवेज अहमद, मोहम्मद इसरार असद, राधे श्याम पाल को चिन्हित किया गया है। इनके विरुद्ध पीडीए वैधानिक कार्रवाई करेगा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में खर्च की वसूली भी भू माफियाओं को आरसी जारी कर वसूल की जाएगी। इसमें ये जो अभी सीताराम निषाद, रमेश निषाद और लला निषाद बताया गया, ये तो जो है इसके भूमि के मालिक हैं, जो भूमधरी है उसके मालिक हैं। और इसमें जो पीछे से जो फिजिकली यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं और खरीद फरोख्त करते हैं, ऐसे में मुख्य रूप से जो नाम आया है इसरार अहमद, परवेज अहमद और मोहम्मद असद और एक राधे श्याम निषाद, ये नाम 4 नाम मुख्य रूप से आए हुए हैं। और जो यहाँ पर प्लॉटिंग करके लोगों को बुला करके वो सब करके गुमराह करते हैं और ये बेच खरीद फरोख्त का काम करते हैं। हमारे जोनल अधिकारी इसमें बीपी सिंह हैं, जो अभी पास में थे, अभी गए हैं। इनके द्वारा भी इनिशिएटिव लेते हुए कार्रवाई आज रखी गई थी और जिस पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।